नमस्कार, सिलवासा न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पूरी दुनिया में जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत के फैंस इस खबर पर नजर गड़ाए हुए हैं कि कब मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार को न्याय, इसी के मद्देनजर मुंबई से हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। सुशांत केस में सीबीआई जांच का नौवां दिन, रिया चक्रवर्ती से दूसरे दिन 7 घंटे पूछताछ की गई। सीबीआई आज भी बुला सकती है रिया चक्रवर्ती को। रिया चक्रवर्ती से दूसरे दिन 7 घंटे पूछताछ की गई। रिया शनिवार को पुलिस एस्कॉर्ट में सीबीआई के पास पहुंची। शुक्रवार को उनसे 10 घंटे पूछताछ हुई थी। सीबीआई ने रिया से शनिवार को 7 घंटे में करीब 20 से ज्यादा सवाल किए। रिया से सुशांत सिंह के क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को लेकर सवाल किए गए। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच का कल नौवां दिन था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। रिया से शनिवार को 7 घंटे में करीब 20 से ज्यादा सवाल किए गए। इससे पहले शुक्रवार को 10 घंटे में 20 सवाल किए गए थे। रिया दोपहर 1:30 बजे डीआरडीओ पहुंची और 8:20 पर निकली। उन्हें जाते और लौटते वक्त मुंबई पुलिस ने सुरक्षा दी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक रिया से सुशांत सिंह के क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को लेकर सवाल किए गए। दरअसल एक्टर के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी ने आरोप लगाया था कि वे सुशांत का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती थी। हालांकि रिया ने इन आरोपों को खारिज किया है। पिठानी, नीरज और मिरांडा के साथ भी पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, नीरज सिंह के सामने भी रिया से सवाल किए। रिया से सुशांत के डिप्रेशन पर भी बात की। सीबीआई ने रिया से इससे जुड़े कागजात भी मंगवाए थे। पिठानी ने क्या बताया? सीबीआई को सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि प्रियंका, सुशांत की बहन, और रिया के बीच झगड़ा हुआ था। यह झगड़ा एक फार्म हाउस में पिकनिक के दौरान हुआ था। सुशांत ने रिया का साथ दिया था। सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि सैमुअल ने उन्हें बताया था कि रिया सुशांत के क्रेडिट कार्ड के जरिए काफी शॉपिंग करती थी। ड्रग्स केस में एनसीबी जल्द रिया का ब्लड सैंपल ले सकती है। सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को होटल कारोबारी गौरव आर्या को समन देकर 31 अगस्त को पेश होने के लिए कहा। गौरव की तलाश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की टीम ने भी कई जगह छापेमारी की। रिया से ड्रग्स की बातचीत में गौरव का नाम सामने आया था। एनसीबी जल्द रिया का ब्लड सैंपल ले सकती है। एनसीबी ने रिया और उनके भाई शौविक समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सुशांत की बहन ने पूछा, रिया महंगे वकील की फीस कहां से दे रही है? रिया ने एक इंटरव्यू में कहा था, खार में मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसके डील की कोशिश मैंने सुशांत से मिलने से पहले ही शुरू कर दी थी। मैंने उस प्रॉपर्टी के 74 लाख रुपए चुकाए हैं। इसमें से 50 लाख रुपए का लोन HDFC बैंक से लिया था। अब भी लोन चुका रही हूं। 17,000 रुपए EMI है। अब पता नहीं कहां से दूंगी क्योंकि मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है। रिया के इस बयान पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने लिखा, आपको इस बात की चिंता है कि EMI कैसे भरेंगी? मुझे बताइए कि आप देश के सबसे महंगे वकील को पैसे कहां से दे रही हैं? श्वेता ने रिया को जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की है। तो ये थी सुशांत सिंह राजपूत केस की लगभग अहम जानकारियां। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।